है 1.5% का दबाव इधर बनता दिखाई दिया। तो ये एक बड़ी दरअसल खराब सिचुएशन में पूरे मार्केट को लेकर आया और 170 अंकों का नुकसान आपको निफ्टी में भी बनता दिखाई दिया। तो आईटी थोड़ा बहुत स्टेडी था, हमने देखा मेटल्स में थोड़ी सी तेजी बनती दिखाई दी थी, लेकिन पूरा जो गेम आज बिगड़ा है वो बैंकिंग काउंटर्स की बदौलत ही बिगड़ा है। इसमें ऑफकोर्स निजी बैंकों में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी बैंक जो 700 पॉइंट नीचे है, देखिए HDFC बैंक का हाल जो आज 1400 पर जाकर टिक गया है, 1.5% का नुकसान। HDFC ही नहीं, आज ICICI बैंक में भी हमने देखी है खासी गिरावट। ये स्टॉक भी आज पूरी तरह से बिखरता हुआ, इनफैक्ट ये तो 3% टूटा। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा है पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ी है। 3.5% का नुकसान कोटक में, इंडसइंड करीब 2.25% नीचे, और एक्सिस भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जहां पर हमने देखा था इंटरडे में कुछ कुछ दबाव के साइंस थे, क्लोज 3% नीचे हो रहा है। इनके ठीक सामने था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एकदम टिका रहा पॉजिटिव टेरिटरी में, इनफैक्ट इंटरडे में 5% के गेंस दिखाने के बाद 700 के आसपास SBI जाकर टिक रहा है। SBI के साथ साथ जो खबर येस बैंक से जुड़ी हुई थी, तो येस बैंक का स्टॉक भी आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर हमारे सूत्र में बता रहे थे जो यतिन ने एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की थी कि शायद येस बैंक में SBI अपना कुछ हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। लगे हाथ खबरों की बात की है तो ITC भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो भी आज कुछ मुनाफा वसूली के अंश दिखा रहा था, 4% का नुकसान। यहाँ पर जो डेवलपमेंट आ रही है कि इनका एक बड़ा निवेशक जो ब्रिटिश अमेरिकन टबैको है, वो दरअसल अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखाई देगा इन द नियर फ्यूचर, और उस स्टॉक में एक ओवरहैंग बनता दिखाई दिया। तो ये ऑफकोर्स नेगेटिव साइड के काउंटर्स थे, लेकिन तेजी कहाँ हुई है उन पर आते हैं। तो SBI के साथ साथ LIC, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, HPBP, IOC जैसी पूरी PSU बकेट हमने देखी तेजी में थी, अच्छे गेंस वहाँ पर बनते दिखाई दिए हैं। LIC इनफैक्ट आज का स्टार परफॉर्मर, 6.5% का इजाफा यहाँ पर हम देख पाए हैं। साथ ही PI इंडस्ट्रीज कल नंबर से पहले आज कुछ तेजी का एक्शन बना है, तो वो पॉजिटिव साइड पर था काउंटर, लेकिन आज आए नतीजों में कमेंट्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर कमेंट्स में हमने देखा जोरदार तेजी, इनफैक्ट 7% का इंटरडे मूव बनता दिखाई दिया था। नतीजे अच्छे थे, खासतौर से डोमेस्टिक डिमांड की वो स्टोरी उभर कर आई है कमेंट्स में, नियरली 7.5% के गेंस देखने को मिले हैं, और दूसरा लगातार सत्र जहाँ पर हमने देखा ट्रेंड में नंबर्स के बाद तेजी ही देखने को मिली, वो भी एक 6.5% के गेंस दिखा पाने में कामयाब रहा। तो ऑन द बेल इंडेक्स कहाँ जाकर टिक रहा है वो आपको दिखा देते हैं, 21760 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक 700 अंक नीचे 45105 पर जाकर टिकता हुआ। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जहां पर आपको साफ दिखेगा कितनी तेजी, कितनी मंदी में हम जाकर टिक रहे हैं, गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज़्यादा है बढ़ने वाले शेयरों के सामने। SBI और वाकई में रिलायंस का साथ था तो हम थोड़े से संभले, वरना और भी खराब क्लोजिंग देखती है। BPCL, बजाज ऑटो, अपोलो हॉस्पिटल्स नंबर्स डिसेंट थे। टेक्नोलॉजी में TCS, HCL टेक में थोड़ी थोड़ी खरीदारी के अंश बने हैं, लेकिन ITC और बाकी निजी दिग्गज बैंकों ने आज दरअसल मार्केट की कमर तोड़ी है, वहीं पर प्रेशर बनता हुआ। तो आज की एक्सपायरी सॉफ्टर नोट पर 21760 पर हम मार्केट को छोड़ जाएंगे सीधा।